नमस्कार दोस्तों, नेचर फार्मिंग लाइफ यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे चिक्स का है नौवां दिन, और नौवें दिन का जो भी शेड्यूल होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, आज जो नौवें दिन की जो हमारे एक्टिविटी होगी, वो दोस्तों ये है कि आज हमने वर्ल्ड को जो दवाई देनी है, वो आज क्योंकि हमने वैक्सीन लगवाई थी कल, तो आज कोई भी दवाई हम वर्ल्ड को नहीं देंगे, क्योंकि वैक्सीन के एक दिन पहले और एक दिन बाद हमने कोई भी एंटीबायोटिक और दूसरी मल्टी विटामिन जैसी कोई भी दवाई नहीं देनी। तो जो दवाई चलेगी अब वो 10वें दिन से शुरू होगी दोबारा, और वो नहीं होगी, उसकी वीडियो अलग से आपको मिल जाएगी जो 10वें दिन की वीडियो बनी। तो आज मैं आपको वर्ल्ड की एक्टिविटी दिखाता हूँ। आज जो हमने चेंजेस किए हैं दोस्तों, यही है कि आज हमने छोटे ड्रिंकर और फीडर सारे हटा दिए, उनकी जगह हमने बड़े जंबो फीडर और ड्रिंकर लगा दिए हैं। तो चिक्स उसमें काफ़ी आराम से फीड ले रहा है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, टेम्परेचर मेंटेन है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है बाहर, तो लेकिन चिक्स चलो अब 8-9 दिन का हो गया है, तो अब थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है उसकी ठंड सहन करने की। लेकिन फिर भी हमने जो मैनेजमेंट रखे हैं पर्दे का, और ये वो सारा अभी हमने कुछ हिलाना नहीं है, हमने सिर्फ लीटर की जो थोड़ी बहुत हमने रेकी की है, उसको थोड़ा गीला हो गया था वो, तो उसको हमने नीचे से जो साफ लीटर निकाला है, जो ऊपर का गीला था, उसको हमने कुरेद के नीचे कर दिया, और जो नीचे का लीटर था उसको साफ लीटर को हमने ऊपर किया है। तो ये थोड़ा बहुत हमने चेंजेस किए हैं आज, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, दोस्तों बर्ड की मूवमेंट काफ़ी अच्छी है, और जंबो फीडर में भी बर्ड काफ़ी अच्छी तरह से फीड ले रहा है। ये देखिए, पूरी तरह से एक्टिव हो गया है बर्ड सारा, और जंबो ड्रिंकर में भी काफ़ी अच्छी तरह से, यानी कि अब चिक्स जो हमारा है वो ग्रोथ की तरफ पूरी तरह चल रहा है। ये देखिए, इसके पंख काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, और चिक्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आज हमारे 9वें दिन का बर्ड है, और इसका जो बॉडी वेट है वो लगभग 250 ग्राम तक पहुँच गया है। तो कुछ एक बर्ड अभी 200 ग्राम और 250 ग्राम के बीच हैं, तो जैसे मैं अभी 12 दिन के बाद इसका बॉडी वेट करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो जस्ट मैंने एक दो बर्ड का ही किया था, तो उस हिसाब से मैंने गैस लगाया है, और बर्ड की ग्रोथ देखिए आप, पंखों के ऊपर पता चल रहा होगा आपको, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है बर्ड। और ये देखिए, जंबो फीटर पर इन्होंने पूरी तरह से कब्जा ही कर लिया है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे लगभग 50 जंबो फीटर दे दिए हैं इसको, और 10 अभी और लगाऊंगा, लेकिन वो एक दो दिन के अंदर जब मैं थोड़ी स्पेस दूंगा, बढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे फिट करूंगा। क्लस्टर हमारे बिल्कुल चल रहे हैं, बढ़िया से हीट दे रहे हैं, बुखारियाँ भी अभी वैसे की वैसी लगी हुई हैं। तो हमने कुछ भी अभी हिलाना नहीं है 15 दिन तक, और 15 दिन के बाद ही हमने बाकी जो कार्रवाई होगी वो करनी है, क्योंकि अभी ठंड, जो टेम्परेचर है वो बहुत ही डाउन हो गया है बाहर का, रात का टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है, इसलिए अभी जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, और आज तो मेडिसिन कोई लगेगी नहीं, तो फिर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे की वीडियो में। तब तक के लिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। उसके बाद जो भी वीडियो होंगी दोस्तों, वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान, जय हिंदुस्तान।